हेलो एवरीवन, माय नेम इज अवधेश त्यागी एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फिफ्थ पार्ट ऑफ फ्यूल्स एंड कम्बशन। सो दिस टॉपिक फ्यूल्स एंड कम्बशन इज कवर्ड इन सब्जेक्ट अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स हैविंग सब्जेक्ट कोड KME 401 एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट कम्बशन। तो सबसे पहले हम कम्प्लीट कम्बशन को समझते हैं। तो बेसिकली अगर हमारा कोई हाइड्रोकार्बन फ्यूल है उसको अगर किसी ऑक्सीडाइजर की मदद से जैसे कि एयर की मदद से अगर उसको कम्बस्ट किया जाए, उसकी बर्निंग की जाए, तो बेसिकली हमारा कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेनी चाहिए, वहीं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी अननेसेसरी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर हम एयर को यूज कर रहे हैं तो एयर में ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी जाती है, तो नाइट्रोजन इनर्ट रहे, वो एज रिएक्टेंट भी रहे और एज प्रोडक्ट में भी रहे। और अगर हमने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई की हुई है, एक्स्ट्रा एयर सप्लाई की हुई है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी लास्ट में प्रोडक्ट में रहनी चाहिए। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इतना ही हो तो वो हमारा कम्बशन कम्प्लीट होता है। तो अगर हम टर्म्स के फॉर्म में बात करें तो अगर हमारा जितना भी कार्बन है हमारे हाइड्रोकार्बन फ्यूल में, जितना भी कार्बन है अगर वो सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाए, और इसके अलावा जितनी भी हमारी हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन भी हमारी H2O में कन्वर्ट हो जाए, और जैसे हम जानते हैं कि हमारा एक और कंबस्टिबल कंपोनेंट होता है वो होता है सल्फर, अगर हमारी सल्फर है हमारे फ्यूल में, इनकेस सल्फर है तो सल्फर भी ऑक्सीडाइजेशन के बाद अगर SO2 में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम कंप्लीट कम्बशन मानेंगे। तो इसको अभी हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो ये हमारा एक डायग्राम है जो कि कंप्लीट कम्बशन को रिप्रेजेंट करता है। इस डायग्राम को जूम इन करके देखते हैं। तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहां पर हमने एक फ्यूल है हाइड्रोकार्बन फ्यूल जिसको हमने उसके केमिकल फॉर्मूला CXHY से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको हम एक कम्बशन चैम्बर में भेज रहे हैं और उसको बर्न करने के लिए हम एयर को सप्लाई करते हैं। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए हैं, फ्यूल और एयर यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट्स हैं। अब जब वो कम्बशन चैम्बर में ये दोनों रिएक्टेंट्स केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अगर हमारा जितना भी कार्बन है वो एयर की ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बना ले, तो यहाँ पर ये हमारा CO2 एज प्रोडक्ट आया है। हमारा जितना भी कार्बन है वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा अगर जो हमारा हाइड्रोजन है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना ले, यहाँ पे आप देख सकते हैं Y2 H2O ये बना हुआ है, तो हमारा पूरा हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो गया है। और जो अब देखिए, अब हमारी जो एयर है अगर हमने ठीक उतने ही अमाउंट सप्लाई किया है जितनी की हमें जरूरत है फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के लिए, तो हमारे पास उस एयर में गई हुई नाइट्रोजन होगी, लेकिन हमारे पास उस समय फिर एक्सेस में ऑक्सीजन नहीं होगी क्योंकि कोई ऑक्सीजन हमारी बचेगी ही नहीं। हमारी जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद थी एयर में उस ठीक उतनी ही थी जितनी हमें कंबशन के लिए चाहिए, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा होता नहीं है। हम जितनी हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की उससे ज्यादा ही एयर की सप्लाई करते हैं, तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेस ऑक्सीजन भी मिलती है। तो यहां पर ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की प्रेजेंस, ये बताती है कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल है वो पूरी तरह से कम्बस्ट हो चुका है, पूरी तरह से बर्न हो चुका है। तो ये हमारा कंप्लीट कम्बशन का डायग्राम हो गया। अब हम समझते हैं कि इनकम्प्लीट कम्बशन क्या होता है। तो बेसिकली अभी हमने देखा कि अगर हमारा हाइड्रोकार्बन फ्यूल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। कुछ रीजंस होते हैं जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उनकी वजह से हमारा कार्बन पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि कार्बन कुछ कार्बन तो अनबर्न रह जाता है जिसको हम अनबर्न कार्बन बोलते हैं, जो कि सूट की फॉर्म में, जो कालिक होती है उसकी फॉर्म में वो आता है, और वहीं हमारा हाइड्रोजन भी कुछ अनबर्न रह जाता है, तो इसको हम बेसिकली अनबर्न हाइड्रोकार्बन या अनबर्न फ्यूल बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा कुछ कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की जगह अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले, और हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही डेंजरस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए तो वो भी हमारा इंडिकेशन होता है कि हमारा कम्बशन कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो अगर अगर हम यहाँ पे इसमें देखें कि अगर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में अनबर्न्ड फ्यूल हो, जैसे हमने बताया अभी, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि अनबर्न्ड फ्यूल है जिसमें अनबर्न्ड कार्बन जो कि हमारा सूट के फॉर्म में आता है, या अनबर्न्ड हाइड्रोजन वो हो, या फिर हमारे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ना बनना तो वो CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि जहरीली गैस होती है, या फिर हमारा OH बनेगा, तो इनकी प्रेजेंस हमारा इनकी प्रेजेंस ये इंडिकेट करती है कि हमारा कंबशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि हमारा कंबशन इनकम्प्लीट रह गया है। तो आइए इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक कंबशन चैम्बर है जिसमें हमने एक हाइड्रोकार्बन है जिसका केमिकल फॉर्मूला CXHY लिया है, उसको बर्न करने के लिए हम एज ऑक्सीडाइजर एयर यूज कर रहे हैं, एयर को हम सप्लाई करेंगे। तो जब ये फ्यूल और एयर इस कंबशन चैम्बर में केमिकली रिएक्ट करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, देखिए कुछ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, कुछ हमारा H2O बना है, और हमने अगर एयर की सर जो सप्लाई है वो रिक्वायर्ड एयर जो क्वांटिटी है उससे थोड़ी ज्यादा रखी है तो हमारी एक्सिस में जो ऑक्सीजन है हमें वो मिलेगी, हमें नाइट्रोजन भी मिलेगी क्योंकि नाइट्रोजन एयर के साथ आती ही है। अब यहां पर देखिए, एक यहां पर कंपोनेंट है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब हमारे फ्यूल में जो कार्बन था वो पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, बल्कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन हो गया कि हमारा यहाँ पर फ्यूल का कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है, तो इसको हम इनकम्प्लीट कंबशन कहेंगे। अब हम समझते हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन के पीछे क्या क्या रीजन होते हैं। तो ये कुछ हमारे इनकम्प्लीट कंबशन के रीजन हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है इनसफिशियंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको अगर हम देखें तो हमारा जो फ्यूल है वो अगर कंबशन चैम्बर में गया और वहां पर उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मौका नहीं मिल पाया, उसको ऑक्सीजन का एनवायरमेंट ना मिल पाया जिससे वो ऑक्सीजन रिएक्ट कर सके, तो हमारा वो फ्यूल ठीक से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा और वो अनबर्न्ड रह जाएगा। तो ये पहला रीजन हो गया इनसफिशियंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन की वो भरपूर मात्रा में हमें उसको प्रोवाइड करना चाहिए, जितना उसको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ही हम उसको सप्लाई करते हैं ताकि ऑक्सीजन की वहां पे कमी ना हो। इसको हम एक्सेस एयर या एक्सेस ऑक्सीजन भी बोलते हैं, जिसको हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। दूसरा जो हमारा रीजन है वो है इनसफिशियंट मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर। तो यहां पर अगर हम देखें कि इनसफिशियंट मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर का मतलब ये है कि हमें फ्यूल और एयर को एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ठीक से एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करेंगे तभी वो अपने करस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स बना पाएंगे। जैसे कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ ठीक तरीके से मिक्स होगा तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड बना पाएगा, वहीं हाइड्रोजन भी अगर ऑक्सीजन के साथ ठीक तरीके से मिक्स होगा तभी वो H2O बना पाएगा। अगर हम ठीक से मिक्सिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो फ्यूल है वो अनबर्न्ड रह जाएगा, तो हमें जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अनबर्न्ड कार्बन और अनबर्न्ड हाइड्रोजन मिल सकता है। तीसरा जो रीजन है वो ये है इनसफिशियंट टाइम फॉर बर्निंग। तो हमें बर्निंग के लिए भी सफिशियंट टाइम देना चाहिए, क्योंकि बर्निंग के लिए को भी कुछ टाइम चाहिए होता है, तभी हमारी धीरे धीरे हीट रिलीज होगी और जो हमारे कंबशन के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनने चाहिए वो ठीक से बन पाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो चौथा हमारा रीजन है डिसोसिएशन। ये स्पेशली डिसोसिएशन जो फिनोमिना है ये हाई टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डालता है। बेसिकली होता है क्या है कि हाई टेम्परेचर पर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं, जैसे कि डिसोसिएशन में कंपाउंड जो है वो ब्रेक होने लगता है, तो हमारे OH, NO, H या O ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बनने लगते हैं और इसकी वजह से हमारा जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। लेकिन ये जो बेसिकली जो डिसोसिएशन का फिनोमिना है ये नॉर्मली देखा गया है कि ये 1000 केल्विन से ज्यादा पर ही ये आता है, जनरली 1000 केल्विन से नीचे पर ये डिसोसिएशन का फिनोमिना नहीं आ पाता है। तो बेसिकली हमारे चार रीजन हो गए जिसकी वजह से हमारा कंबशन इनकम्प्लीट रह जाता है। यहाँ पर हमें एक और चीज ये देखनी होगी कि अगर हम कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन को अगर कंपेयर करें तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा कंबशन कंप्लीट हो, क्योंकि कंबशन अगर कंप्लीट होगा तो ही हमारा मैक्सिमम हीट रिलीज होती है, और अगर हमारा कंबशन इनकम्प्लीट होगा तो वहां पर
कंपैरेटिवली कम हीट रिलीज होगी। तो और हमारा कम्बशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हीट रिलीज करना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर हीट रिलीज करना चाहते हैं तो हमारा कम्बशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा कंप्लीट कम्बशन में कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं इनकम्प्लीट कम्बशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब हम देखें कि हम कंप्लीट कम्बशन और इनकम्प्लीट कम्बशन को देखकर कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, जनरली कंप्लीट कम्बशन जब होता है तो हमारी फ्लेम का जो कलर होता है वो जनरली ब्लू कलर का होता है। तो जब हमारी ब्लू कलर की फ्लेम बनती है तो हमारा वहां पे कम्बशन कंप्लीट माना जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, अगर हमारा फ्लेम का टेम्परेचर ऑरेंज रंग का हो तो वो कम्बशन इनकम्प्लीट माना जाता है। तो अगर हम अपने डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल लें तो जैसे कि हमारी जो रसोई गैस होती है वहां पे जो बर्नर से फ्लेम निकल रही होती है वो काफी हद तक मेजोरिटी में ब्लू कलर की होती है, तो वहां पर काफी हद तक कंप्लीट कम्बशन हो रहा होता है। वहीं अगर हम लकड़ी या किसी और फ्यूल की बर्निंग को देखें जहां पर ऑरेंज या येलो कलर की फ्लेम बन रही होती है तो वो इंडिकेशन होता है कि वहां पर कम्बशन कंप्लीट नहीं हो रहा है बल्कि इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप इस ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेरीज का जवाब दे पाऊं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कंप्लीट कम्बशन क्या होता है और इनकम्प्लीट कम्बशन क्या होता है, और हमने ये भी समझा कि इनकम्प्लीट कम्बशन के पीछे क्या वजह होती है। ये हमारे डिपार्टमेंट के विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है और ये हमारे इंस्टीट्यूट के विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।